बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। इसका इन सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, इसे जाने दीजिए। सॉरी, अब तुम जाओ। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। हीरो विलेन के घर आया है, तो जब तक हीरो हीरोइन को बचा नहीं लेता वो यहां से नहीं जा सकता। ओ हेलो, मैं तुम्हें कोई रोती भिलकती कोई फिल्म की हीरोइन नजर आ रही हूँ क्या? मुझे किसी भी हीरो की हीरोगिरी की कोई जरूरत नहीं है, और ये हीरो हीरोइन प्यार व्यार ना, इन सबसे सख्त नफरत है मुझे। अभी चुपचाप यहाँ से जाओ, मुझे अपने बाबा से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ हाँ, एक मिनट, जरा जूता एडजस्ट कर लो, जाता हूँ। सर तेज प्रताप जी, अलविदा। ठीक है ना तू? हाँ ठीक ही रहना। गलती हमारी है, हमारी बेटी गुरूर के बजाय नासूर बन गई है, लेकिन अब नहीं, और नहीं, अब तो तुम वही करोगी जो हम चाहते हैं। और आपको लगता है कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? बाबा अभी तो सिर्फ माँ को मारने का स्टिंग ऑपरेशन करवाया है, अगली बार आपका पूरा पर्दा फाश कर दूंगी। बुलाओ उन्हें। नमस्ते ससुर जी। नमस्ते नमस्ते। रिश्ता पक्का कर दिया तुम्हारा, अब तुम एक ही काम करोगी, शादी का जोड़ा पहनोगी और इस लौंडे के साथ सात फेरे लोगी। जब एक लड़की अपनी हदें लांघने लगती है तो उसके पांव में बेड़ियां बांधनी पड़ती है। यही उसूल है तेज प्रताप सिंह का। और किसी एक छोकरी को ऐसा लगता है कि वो एक छोटा सा स्टिंग ऑपरेशन करके हमारी जड़ें हिला देगी तो वो उसकी बेवकूफी है। का नाम बताया तूने बेटा? जी रोहित, और तुम्हारी शादी होगी। Come on everybody, clap for Rohit. इस घूंचू से शादी करूंगी मैं? हाँ, कभी नहीं। तो मोगेम्बी को फिल्मी पसंद नहीं है, पर मेरी फिल्म में हीरो हीरोइन को जाने बिना, उसे बचाए बिना एग्जिट नहीं ले सकता। चाहे हीरोइन कुछ भी कर ले। और बाबा, अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे और मैं चुप बैठूंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं किस हद तक जा सकती हूँ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं।